हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूँ रोज और आप देख रहे हैं रोज मेकओवर स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन क्या होता है, हमें क्यों यूज करना चाहिए, वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को मैं टू पार्ट में बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में सनस्क्रीन के बारे में आपको बताऊंगी मैं, और सेकेंड पार्ट में उसका डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगी कि आपको सनस्क्रीन किस क्वांटिटी में यूज करना चाहिए और कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। मैं अपने इस चैनल पे गिव अवे करने वाली हूँ। जी हाँ, जब मेरे इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो उन 100 सब्सक्राइबर्स में से मैं एक लकी सब्सक्राइबर को चूज करूंगी और उसको एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। और वो गिफ्ट है दिस वन, दिस नायका पाउच, जिसको आप अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट रखने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने मेकअप के प्रोडक्ट रखने के लिए यूज कर सकते हैं, या और भी कोई दूसरी टाइप से रिक्वायरमेंट है आपकी तो आप वैसे इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, अब गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए ओनली टू रूल्स है। फर्स्ट, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, एंड सेकेंड, मेरे हर वीडियो को आपको देखना है और वीडियो के नीचे आपको मैसेज करना है, जिससे कि मुझे पता लगेगा कि आपने वीडियो को देखा है। और जब मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो जितने भी लोगों ने मैसेज किया है उन सब लोगों के नाम का चिट डाल के मैं अपने बेटे को बोलूंगी एक चिट पिक करने के लिए, और जिसका भी नाम आएगा उसको मैं ये जो पाउच है वो कुरियर करके सेंड करूंगी। सी, देखिए कितना सुंदर है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। फुल फॉर्म ऑफ एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सनस्क्रीन हमको सन की यूवी रेजेस से प्रोटेक्ट करता है, यूवी ए एंड यूवी बी से। ऐसे आप जानते हैं सन में बहुत सारी रेज होती है, लेकिन ये मेनली टू रेज ऐसी है जो कि हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। यूवी ए रेज जो है वो आपकी स्किन कैंसर और एजिंग के का कारण होती है, और यूवी बी जो है वो आपका सनबर्न का, डिसकलरेशन का, डार्कनेस का कारण होती है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी रेजेस होती है, लाइक यूवी सी रेज होती है, लेकिन वो हम तक पहुंचती नहीं है, उसके पहले वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और कुछ ऐसी रेजेस है जो आती है हम तक, लेकिन हमारे पास में अभी तक उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी स्किन को ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। उसके लिए हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि जब आप आउटसाइड जा रहे हो तो आप अपनी स्किन को स्कार्फ से, गॉगल से, केप से, अम्ब्रेला से, इन सारी चीजों से आप प्रोटेक्ट करें, इवन दो आपने सनस्क्रीन लगा के रखा है। फिर मेनली टू टाइप के सनस्क्रीन होते हैं, फिजिकल सनस्क्रीन एंड केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन वो जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं और स्किन फ्रेंडली होते हैं, सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छे होते हैं, और ऑयली एंड सुपर ऑयली स्किन के लिए भी वो बहुत अच्छे होता है सनस्क्रीन। इसके मेनली टू इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। ये दोनों के कारण क्या होता है, इसमें ये थोड़ा सा इसमें स्कार्फ आ जाता है, मतलब व्हाइट व्हाइट से स्कार्स देता है। आपने देखा है बहुत सारे क्रिकेटर्स को, जब वो लोग फील्ड में रहते हैं तो उस वक्त कुछ अपने आंखों के नीचे, नोज पे, चीन पे, फोरहेड पे कुछ व्हाइट व्हाइट वो लोग लगा के रखते हैं। तो फ्रेंड्स, वो होता है फिजिकल सनस्क्रीन। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास में इनेंसफ्री का सनस्क्रीन है और ये एक फिजिकल सनस्क्रीन है। सी, ये सबसे बड़ा इसका एक नेगेटिविटी है जिसके कारण ये इतना फ्रेंडली नहीं है, हम लोग लगा नहीं पाते इसको। अदरवाइज ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। आप देख रहे हैं ये कितना व्हाइट व्हाइट लग रहा है, ये कितना नॉर्मल लग रहा है मेरा ये वाला हैंड। तो ये एक थोड़ा सा इसका इफेक्ट का प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव भी होता है और इसमें आपको बहुत सारी कंपनीज भी नहीं मिलेगी, बहुत वेराइटी ऑफ कंपनीज नहीं है जो कि सनस्क्रीन को बनाती हो। अभी फिजिकल सनस्क्रीन कैसे एक्शन करता है, तो फिजिकल सनस्क्रीन क्या करता है, जो यूवी रेजेस आती है उनको वो रिफ्लेक्ट करता है। मींस एक रेज ऐसी आई और वो ऑब्जर्व ना होके वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, ये फिजिकल सनस्क्रीन का एक्शन है। अब आता है हमारा केमिकल सनस्क्रीन, जो कि बहुत ही इजिली आपको मार्केट में मिल जाता है, बहुत सारी कंपनीज है उसको बना रही है। ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली होता है, बट ये सेंसिटिव स्किन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और
अराउंड द आईज भी हम लोगों को ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। हम अराउंड आईज इसको नहीं लगा सकते, अदरवाइज हमारी आईज पैन करना स्टार्ट कर देती है। इस सनस्क्रीन में तीन मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फर्स्ट ऑक्सीबेंजोन, सेकेंड एवोबेंजोन, थर्ड टिनोसिन। सनस्क्रीन का जो एक्शन है ये जो यूवी रेज है इसको ये ऑब्जर्व करता है, लेकिन आप उसकी एक प्रोटेक्शन लेयर बना देते हैं तो आपकी स्किन में नहीं जाता, वो सिर्फ वहीं पे ऑब्जर्व होके खत्म हो जाती है। और इसका जो कवरेज है ये भी ज्यादा होता है कंपेरेटिवली फिजिकल सनस्क्रीन। और लकीली मार्केट में ऐसे भी कुछ सनस्क्रीन है जिसमें ये पांचों ही इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, मीन्स जो फिजिकल सनस्क्रीन के जो दोनों इंग्रेडिएंट्स है वो भी, और जो केमिकल सनस्क्रीन के तीनों मेन इंग्रेडिएंट्स है वो भी। तो जब आप मेडिकल पे जा रहे हैं तो आप हमेशा पहले इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़िए, परचेज करने के लिए जाते हैं सनस्क्रीन तो आप देखते हैं बहुत सारे सनस्क्रीन है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी पे लिखा रहेगा ब्लॉक आउट क्रीम, किसी पे लिखेगा सनस्क्रीन लोशन, किसी पे लिखेगा सन क्रीम, किसी पे लिखेगा सनबर्न क्रीम। तो फ्रेंड्स वो कुछ नहीं है, वो सब कुछ सनस्क्रीन ही है। तो देखिए कितने टाइप के सनस्क्रीन आते हैं मार्केट में, तो मेनली चार से पांच टाइप के सनस्क्रीन मार्केट में आते हैं। सनस्क्रीन क्रीम आता है, सनस्क्रीन जेल आता है, सनस्क्रीन लोशन आता है, सनस्क्रीन स्प्रे आता है, सनस्क्रीन लूज पाउडर आता है, सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट आता है। तो इसमें से जो भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग या जो भी आपको पसंद आता है आप यूज कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि सनस्क्रीन लगाने का राइट टाइम क्या है। तो फ्रेंड्स 9 to 6 आपकी स्किन पे सनस्क्रीन होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा हम सनस्क्रीन लगा के रखेंगे पूरे दिन तो हमको तो विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स फर्स्ट तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम जब सनस्क्रीन लगाते हैं वो सिर्फ हमारे फेस पे और मोस्ट ऑफ दी हम हैंड पे लगाते हैं, बाकी जगह हम लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। बट फिर भी यदि आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 6 to 9 o'clock तक जो सन होता है वो इतना हार्मफुल नहीं होता है, उस वक्त आप सन के साइड में अपना बैक करके बैठ सकते हैं और जितना विटामिन डी आपको चाहिए आप उस टाइम पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब 9 to 6 तक आपको सनस्क्रीन लगाना है तो क्या आपको एक ही बार लगाना है, तो नहीं, आपको इसको हर 2 to 3 hours में रिपीट करना है। नो मैटर कि उस सनस्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है 6 to 7 hours, 8 hours, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कोई सनस्क्रीन मार्केट में नहीं है जो कि 2 to 3 hours से ज्यादा एक्शन में रहे। तो आपको एवरी 2 to 3 hours आपको रिपीट करना ही करना है अपना सनस्क्रीन। अब यहाँ पे बात आएगी कि हम, मैं तो घर से बाहर हूँ तो मैं कैसे अपना पूरा वापस से फेस वॉश करूंगा और सनस्क्रीन लगाऊंगी या लगाऊंगा, तो उसका आंसर ये है कि आप क्या करें, आप ब्लॉटिंग पेपर से आप अपने स्किन को ब्लॉट कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा आपका जो भी एक्स्ट्रा सीबम है वो और आपकी जो डर्ट है वो उस पेपर में आ जाएगी और उसके बाद में आप अपना सनस्क्रीन लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी गर्ल्स होगी जो बोलेंगी हम लोग तो मेकअप लगाते तो मेकअप पे मैं इसे कैसे लगाऊं, मसाज कैसे करूं उसका ना सनस्क्रीन का, तो उनके लिए मैं ऑप्शन ये दूंगी, आप चाहें तो आप एक स्प्रे वाला सनस्क्रीन ले सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास में है ये, यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ इसलिए आप कंपनी पे मत ध्यान दीजिए, सिर्फ मैं आपको एक जो बताना चाह रही हूँ ये है कि इस टाइप का जो स्प्रे टाइप का सनस्क्रीन होता है वो आप ओवर द मेकअप यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे कि आप सेटिंग स्प्रे कैसे करते हैं मेकअप के ऊपर वैसे ही आप इसको स्प्रे कर लीजिए बस, और लेकिन आपको इसको वापस से डैब नहीं करना है, आपको इसको नेचुरली सूखने देना है। बट जिनका ऑयली स्किन है उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा इस चीज से, तो वो क्या कर सकते हैं, वो लोग या तो लूज पाउडर, इस टाइप के लूज पाउडर्स भी सनस्क्रीन लूज पाउडर आते हैं, या तो आप लूज पाउडर यूज कर लीजिए, या आजकल बहुत सारे ऐसे कॉम्पैक्ट्स भी आ रहे हैं जिनमें सनस्क्रीन होता है, आप वो वाले कॉम्पैक्ट यूज कीजिए। मैं तो पूरे दिन घर में रहती हूँ तो क्या मुझे सनस्क्रीन की जरूरत है, तो यस आपको सनस्क्रीन की जरूरत है। जब आप दिन में घर पे होते हो तो आप रोशनी के लिए लाइट नहीं चालू करते, ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह आप नहीं चालू करते, फिर भी आपके घर में रोशनी होती है तो कहाँ से आती है, तो सन से आ रही है ना, इट मीन्स कि सन आपके घर में आ रहा है, और यदि सन आ रहा है तो उसकी रेजेस भी आ ही रही है ना, तो आपको सनस्क्रीन की घर पे भी जरूरत है। हाँ इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जहां पे आप आउटसाइड में जब आप जा रहे हैं और 50 SPF ले रहे हैं तो आप 50 SPF ना यूज करके आप 30 SPF यूज कर सकते हैं। बहुत सारी सनस्क्रीन के ऊपर लिखा रहता है वाटर रेसिस्टेंट, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है वाटर रेसिस्टेंट और वाटर प्रूफ। फ्रेंड्स इसमें डिफरेंस है, वाटर प्रूफ मीन्स वो कि वाटर से आप धो दोगे तब भी सनस्क्रीन नहीं निकल रहा है फाइन, और वाटर रेसिस्टेंट या स्वीट रेसिस्टेंट वो कि आपका यदि बहुत ज्यादा
यदि आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है या आप जैसे स्विमिंग वगैरह पानी में आप हो तो उसका जो पावर है सनस्क्रीन का वो कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप 2 से 3 घंटे में आपको सनस्क्रीन को रिपीट करना है, लेकिन इस केस में आपको 40 से 45 मिनट्स में आपको सनस्क्रीन रिपीट करना पड़ेगा। क्या हमारा जो कलर है वो सनस्क्रीन के लिए मैटर करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल मैटर करता है। जितना ज्यादा आपका लाइट कलर होगा उतना ही आपको सनस्क्रीन की ज्यादा जरूरत है, और थोड़ा आपका डार्क कलर है तो आपको इतना ज्यादा हार्म नहीं करेगा। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि इतनी सारी चीजें लगाना होती है, सीटीएम करना होता है, सीरम्स लगाने होते हैं, तो हमको सनस्क्रीन को कहाँ लगाना है? तो सनस्क्रीन को यूज करने का जो राइट स्टेप है वो है, आप अपना पहले सीटीएम कर लीजिए और फिर आपको सनस्क्रीन लगाना होता है। अभी जिन लोगों को सीटीएम के बारे में नहीं पता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सनस्क्रीन किसी भी जेंडर पे डिपेंड नहीं करता है, गर्ल्स बॉयज वोमेन जेंट्स सबके लिए सनस्क्रीन के जो फैक्ट्स है वो सेम ही है। रेनी सीजन में या क्लाउडी डेज में भी हमको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको जरूरत है सनस्क्रीन लगाने की, क्योंकि क्लाउड जो होते हैं वो होता है सन के नीचे, इट मीन सन तो ऊपर है ना, तो सन के रेजेस भी आ रही है लेकिन वो इनडायरेक्टली आपके पास में आ रही है, तो उस केस में भी आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। अभी टीनेजर्स का बहुत एक क्वेश्चन होता है, क्या हमको सनस्क्रीन की जरूरत है? तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि 6 महीने से ऊपर का जो भी बच्चा है उसको सबको सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो 6 मंथ से लेके 13 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनके लिए सनस्क्रीन अलग आता है, और जो टीनेजर हैं वो लोग एडल्ट वाला सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। क्या हमको रात में भी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए? तो नहीं फ्रेंड्स, सनस्क्रीन का मतलब ही होता है जब वो सन है तब आपको यूज करना है, तो आपको नाइट में यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने सनस्क्रीन पे एक चीज देखी होगी, उसके ऊपर लिखा होता है SPF 15, SPF 30, SPF 40, जो भी इस टाइप के एक स्पेक्ट्रम उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, तो वो आप कैसे सिलेक्ट करोगे कि आपको कितने परसेंट वाला आपको लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स, जो भी उसके ऊपर लिखा रहता है उसका एक परसेंटेज होता है कि किस परसेंटेज में वो सन की जो यूवी रेज है उसको ब्लॉक कर रहा है। यदि 15 SPF लिखा है उसका मतलब वो सन की 93% यूवी रेज को ब्लॉक करेगा। यदि 30% लिखा हुआ है तो वो 97% यूवी रेज को ब्लॉक करेगा। यदि 50% लिखा है तो वो 98% यूवी रेज को ब्लॉक करेगा। यदि 100% उसके ऊपर लिखा हुआ है तो वो यूवी रेज को 99% ब्लॉक करेगा। अभी एक चीज आपको यहाँ पे माइंड में आता होगा, लेकिन इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब 1-2 ऐसे ही परसेंटेज का फर्क है, लेकिन फ्रेंड ट्रस्ट मी, ये जो 1-2 परसेंटेज है ये आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। तो इसलिए आप जब भी अपना सनस्क्रीन चूज करेंगे उसके स्पेक्ट्रम को भी ध्यान में देख के ही यूज करेंगे। यदि आप लिप्स के लिए लिप बाम वगैरह ले रहे हैं तो आप उसमें 15% भी SPF आपको मिलता है तो इनफ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डार्क कलर होता है उसके ऊपर सन एकदम से उतना ज्यादा प्रभाव नहीं करता, तो हमारे जो लिप्स है वो थोड़े से डार्क कलर के होते हैं और उसके बाद में हम उसके ऊपर लिपस्टिक भी लगाते हैं तो वो कंपनसेट हो जाता, उस पर प्रॉब्लम नहीं होता। तो 15 SPF भी इनफ है लिप्स के लिए। 30 SPF एंड 50 SPF जो मेन, ये ज्यादा SPF चलते हैं। तो यदि आप जैसे रेनी डे है, क्लाउडी डे है, विंटर सीजन है, ठीक है, या आप घर में रह रहे हो तो आप 30 SPF भी यूज करेंगे तो काफी है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत टाइम के लिए आप बाहर रह रहे हो तभी फिर आपको 50% एटलीस्ट यूज करना ही चाहिए। अभी आपने YouTube पे ऐसे भी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आपको बोला जा रहा होगा कि नहीं, आपको सनस्क्रीन नहीं यूज करना चाहिए, सनस्क्रीन बहुत हार्मफुल है और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक ही वे में आपको दूंगी, यदि आप अपनी स्किन के लिए कुछ भी नहीं करते सिर्फ पानी से धोने के अलावा तो आपको वाकई सनस्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है फिर। लेकिन यदि आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, लाइक आप टाइम टू टाइम फेशियल करते हैं, क्लीन अप करते हैं और ट्रीटमेंट्स लेते हैं, लाइक केमिकल पील, माइक्रो निडलिंग, माइक्रोडर्मा ब्रेजन या ऐसा कोई भी जिसमें कि आपका ऊपर का जो सुपरफिशियल स्किन निकल रहा है, ऐसा कोई भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं, या फिर आप स्क्रबिंग करते हैं, या फिर आप ऐसी कोई भी क्रीम यूज करते हैं फॉर पिगमेंटेशन वाली कोई क्रीम यूज करते हैं, या एक्ने स्कार के लिए या कोई भी क्रीम यदि आप यूज कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, मीन्स मस्ट है, क्योंकि क्या होता है ये सारी चीजें जो होती है वो आपकी स्किन की ऊपर की जो परत होती है उसको निकाल देती है।
तो आपका जो फ्रेश स्किन है वो डायरेक्ट सन में एक्सपोज होता है, तो वो बहुत जल्दी उसको हार्म करता है। तो इसलिए आपको प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, मीन्स जरूरी है ही। आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में सनस्क्रीन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहां पे मैं आपको उसका आंसर दूंगी। और आप इसका सेकेंड पार्ट देखना ना भूलें, क्योंकि जो मेन दो क्वेश्चंस रह गए हैं कि हमको सनस्क्रीन को कैसे प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए और हमको किस क्वांटिटी में सनस्क्रीन को यूज करना चाहिए, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने डेमो वाले वीडियो में दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रेन।